गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ एक होम रेमेडी जो कि एक इंस्टेंट ग्लोइंग के ऊपर है। ये आपको 10 मिनट में इंस्टेंट ग्लोइंग मिल जाएगा। आप चाहे कहीं भी पार्टी वेयर या कहीं भी जा रहे हैं समर टाइम में, तो एक अच्छा पैक है जिससे आपको इंस्टेंट ग्लोइंग 10 से 15 मिनट में मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा अनैचुरल पैक है जो कि आप घर में कुछ चीज़ों से जल्दी फटाफट बना सकते हैं, बस 2-3 इन्ग्रीडियंट्स। एक बाउल में 1 चम्मच लेंगे कॉफ़ी। अब उस कॉफ़ी में लेंगे हम लोग ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल। मैंने ऑलिव ऑयल लिया था क्योंकि ऑलिव ऑयल का मॉइस्चराइजिंग बहुत अच्छा होता है। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका पेस्ट जो बनेगा वो फेस पैक के जैसे बनेगा। मैंने जो बनाया है वो फेस पैक है। ये स्क्रबर भी बनता है, अगर इसमें चीनी डाल दिया जाए तो ये स्क्रबर बन जाएगा। तो मैंने एक फेस पैक मास्क बनाया था, तो इसे अच्छे से मैंने मिक्स किया है क्योंकि जितने अच्छे से मिक्स करेंगे उतना अच्छा ये पेस्ट बनेगा, नहीं तो वो काफ़ी दरदरा रह जाएगा। आप चाहे तो ब्रू का भी कॉफ़ी ले सकते हैं, नेस्कॉफी भी ले सकते हैं, और कॉफ़ी पाउडर है तो वो भी ले सकते हैं। अब इसमें मैंने लिया है 1 स्पून मलाई दूध का। दूध की मलाई से डीप क्लीन होता है फेस, और जितने डस्ट बैठ जाते हैं फेस पे उसे रिमूव करने में हेल्प करता है। एक क्लींजरिंग देता है फेस को, और इसे अच्छे से मिक्स करना है। जितने अच्छे से मिक्स करेंगे उतना अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इसे आप चाहे तो रात को मिक्स करके फ्रीजर में रख दें, आप मॉर्निंग में यूज़ कर ले, नहीं तो मॉर्निंग में मिक्स करके रात में यूज़ कर ले। ज़्यादातर जो पैक है वो दोपहर में और नाइट में यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब मैंने अपने फेस पर अच्छे से यूज़ कर लिया है। फेस पे अच्छे से मैंने इसे लगाया है। इसे कम से कम 10 से 15 मिनट आपको फेस पे रखना होगा, और जब ये ड्राई हो जाए तो इसे स्क्रब, मतलब कि स्क्रबिंग के जैसे सर्कल मोशन में रिमूव करें, या आप चाहे तो इसको ड्राई होने के बाद फेस वॉश भी कर सकते हैं। देख सकते हैं फेस का कलर और मेहंदी का कलर कितना अलग अलग हो गया है, तो वॉश करने के बाद और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मैंने वॉश कर लिया है ड्राई होने के बाद, अब और फेस कितना ग्लोइंग हो गया है। अब आप चाहे तो अपने मनपसंद कोई भी नाइट क्रीम लगा लें। मैंने नेचुरल क्रीम यूज़ किया है। आप जानते हैं ये पैक मैंने यूज़ किया है, उसके बाद मैंने कुछ भी, अभी तक मैंने फ़िलहाल तो कुछ भी यूज़ नहीं किया हुआ है क्योंकि मैं कभी भी मेकअप यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ये पैक ही इतनी अच्छी नेचुरल ग्लोइंग दे देते हैं। मैं बहुत ही कम मेकअप यूज़ करती हूँ, आप जैसे कि देख रहे हैं मैंने अभी कुछ भी यूज़ नहीं किया हुआ है। और ये जो पैक है ये बहुत ही अच्छा पैक है, और इसका जो इफ़ेक्ट है बहुत ही नेचुरल आता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। कॉफ़ी जो है वो बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जो कि आपके पिगमेंटेशन को क्लीन करता है, डीप क्लीन देता है, ब्लैक हेड्स को रिमूव करने में इसका बहुत ही हेल्पफुल रहता है। और कुछ कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं ये बहुत ही यूज़फुल होती है स्किन्स के लिए, टाइल्स के डार्क सर्कल्स को क्लीन करता है, पिगमेंटेशन को दूर करता है, और बहुत ही हेल्पफुल रहता है फेस के लिए। और जहाँ से आप कह सकते हैं ऑलिव ऑयल हो या कोकोनट ऑयल हो, हमेशा मैं किसी ना किसी रेमेडी में यूज़ करती हूँ, क्योंकि कोकोनट ऑयल जो होता है चाहे ऑलिव ऑयल, ये फेस को मॉइस्चराइज करता है, एक क्लीन डीप क्लीन करता है, एक क्लीनिंग फेस देता है, और स्किन के जो भी दाने होते हैं, छोटे छोटे पिंपल्स होते हैं, उसे रिकवर करता है। तो ऑलिव ऑयल के और कोकोनट के बहुत ही फ़ायदे हैं फ्रेंड्स। और जैसे कि मलाई होता है, दूध का मलाई, ये फेस को डीप क्लीनिंग करता है, जो भी डस्ट होते हैं, जो डस्ट फेस पे बैठ जाते हैं तो उसे क्लीन करता है, डीप क्लीन करता है, और मॉइस्चराइज करता है, स्किन को सॉफ्ट बनाता है, और जो आपके डेड फेस हो जाते हैं उसको रिकवर करता है गाइस। तो ये जो है ये पैक मैंने जो बनाया है, ये आप अगर समर टाइम में यूज़ करें तो बहुत ही बेनिफिट है। इसके बाद आप चाहें तो कोई भी अपना नाइट क्रीम जो आपको फेवरेट है वो यूज़ कर सकते हैं, और ये प्रोसेस आप नाइट में करो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसका मॉर्निंग रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। तो ये टीनएजर्स भी यूज़ कर सकते हैं इजीली, कोई इसमें इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। और टीनएजर्स के लिए मैंने ये बनाया है क्योंकि ड्राई स्किन वाले भी इसे ज़्यादातर यूज़ करिए, टीनएजर्स ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। ड्राई स्किन वाले यूज़ करें तो उनका फेस एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, ड्राइनेस बहुत ही कम रहेगा। तो ड्राई स्किन वाले इसे यूज़ करें, वीक में 3 डेज आप अगर यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। इसे हमें एक दिन यूज़ करने से कुछ नहीं होगा, कम से कम वीक में 3 बार यूज करिए तो आपका इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो इसे मैंने वॉश करने के बाद, हाँ पहले आप इसे लगाते हैं तो इसे पहले फेस को वॉश करके यूज़ करना है, क्योंकि दिन भर का जो डस्ट होता है फेस में बैठा रहता है, इसलिए फेस को अच्छे से वॉश करके तब ये रेमेडी यूज़ करें। इसके बाद
और वॉश होने के बाद ऐसे तो फेस बहुत ही फ्लफी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन आप चाहे तो नाइट क्रीम आपको जो भी फेवरेट है उसे यूज़ करके आप लगा सकते हैं, और नाइट में प्रोसेस करो तो ज़्यादा बेटर है। आप चाहे तो आफ्टरनून में भी कर सकते हैं, बट ये रेमेडी नाइट में यूज़ करें तो इसका मॉर्निंग रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। तो गाइस, कैसा वीडियो आपको लगा आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लव यू, बाय बाय।